हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीटीज क्लासेस एंड इफेक्टिव ऑफ लर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 7B। आज हम लोग 7B करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेक श्योर कि आप लोगों ने 7A का जितना भी पार्ट है 1 से 6 तक आप देख चुके हो, उसके बाद आप लोग 7B करोगे। ये एक वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है। सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक। एक्सरसाइज 7B में बोलता है, ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 45। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग और करते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि वो नंबर एक्स है, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर, एक नंबर को दो गुना करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें नंबर तो पता होना चाहिए कि वो नंबर क्या है। तो मान लेते हैं वो नंबर एक्स है, देन ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बताए व्हेन डिक्रीज बाय 7, अब हम उसको 7 से क्या बोलते हैं हम लोग घटाएंगे, 7 उसमें डिक्रीज कर देंगे, घटा देंगे। तो फाइंड द नंबर, तो हमें तब हमें क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। तो फिर बोला फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा हमारे पास। तो बोलता है ट्वाइस अ नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चाहे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्वाइस अ नंबर 2x व्हेन डिक्रीज माइनस कितना 7, कितना मिल रहा है 45 मिल रहा है, देन 2x इक्वल टू 45 प्लस 7, देन 2x इक्वल टू 45 प्लस 7, देन 7 और 5 12 लेफ्ट 1, देन 4 और 1 5, देन 52, एंड x इक्वल टू 52 बाय 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड करके देखते हैं, देन 2 2 4 1 एंड 2 2 6 12 कितना आ जाएगा 26, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 26, देन हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज 26। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है थ्राइस अ नंबर, ठीक है। तो पहले हम लोग नंबर को मान लेते हैं जैसे पहले किए थे, ठीक है। थ्राइस अ नंबर में कैसे करेंगे हम लोग सॉल्यूशन, देन लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी, मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर एक्स है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ थ्राइस अ नंबर इसका एक्स 3x व्हेन इंक्रीज्ड, जब इसको बढ़ाया जाता है तो प्लस करेंगे प्लस 5 इक्वल टू 44, क्या मिलता है हमें 44 मिलता है, तो इक्वल टू 44 लिख देंगे, देन 3x इक्वल टू 44 माइनस 5, देन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 माइनस 5, देन 14 में जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, देन 39, देन x इक्वल टू 39 बाय 3 आ जाएगा। अब 3 से हम डिवाइड करते हैं, 39 3 बन जा 3, 3 जा 9, देन x इक्वल टू 13 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया मेरे पास 13। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला जा रहा है, द 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, ठीक है। तो पहले हम नंबर ही मान लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, बोलता है कि 4 एडेड, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 हमको ऐड कर देना है, 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, मतलब कि 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर यील्ड 26 बाय 5, तो हमें क्या मिलता है 26 बाय हमें 5 मिलता है, एंड 4 एडेड ट्वाइस, देन 2x कर दिए इक्वल टू कितना मिलेगा 26 बाय 5। क्लियर है। अब चलिए ये प्लस 4 है, इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, देन 2x इक्वल टू 26 बाय 5 माइनस 4, देन 2x इक्वल टू 5 26 माइनस 1 है, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा
ट्वेंटी, देन 2x इक्वल टू 26 माइनस 20, देन क्या हो जाएगा 6, 6 बाय 5। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या आ जाएगा देखिए, ये 2 अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, x इक्वल टू 6 बाय 5 इंटू 2, क्योंकि डिवाइड में रहेगा तो नीचे ही रहेगा ना। देन 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाय 5 वन जा 5। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास 3 बाय 5, वो नंबर क्या होगा 3 बाय 5। अब लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए नंबर इज व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव 72। नंबर व्हेन एडेड, मान के चलिए लेट, हम पहले नंबर ही मान लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, रिक्वायर्ड नंबर भी हम मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर मेरे पास x है, तो व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, ठीक है, जब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी के हाफ से जोड़ देते हैं तो 1/2x, ठीक है, ए नंबर तो एक नंबर लिख दिए, द व्हेन एडेड टू हाफ, जब हम उसके हाफ से उसी को ऐड कर दिए तो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 72। क्वेश्चन को फिर से समझिए, ए नंबर तो एक नंबर लिख दिए, व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, उसी का हाफ से, तो हाफ को हम एक्स कर दिए इक्वल टू 72 आया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 ले लिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x होगा, तो एक्स ही हो जाएगा इक्वल टू 72। एंड 2x और x तो क्या हो जाएगा 3x बाय 2 इक्वल टू 72। देन 3x इक्वल टू 72 इंटू 2, देन x इक्वल टू 72 इंटू 2 बाय, मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए 3 से हम डिवाइड करते हैं 72 को, तो 3 2 जा 6, 1 2, 3 4 जा 12, ठीक है, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 24, एंड 24 इंटू 2, देन x इक्वल टू 48। क्लियर है? देन हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 48। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा 48 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए नंबर एडेड टू इट्स ट्वाइस। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, लेट नंबर को ही मान लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक्स, मान लेते हैं कि जो हमें नंबर चाहिए वो क्या है x है, तो ए नंबर इज एडेड, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x को हम ऐड करते हैं 2/3, इट्स टू थर्ड मतलब क्या कहना, इसी का 2/3, तो 2/3x, इसको इस तरह लिखेंगे, इट्स टू थर्ड को हम लिखेंगे 2/3, और जो हमने नंबर को माना उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो 2/3x इक्वल टू 55, देन 3 हो गया, 1 को डिवाइड करते 3 से, देन 3 वन जा 3, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, प्लस 3 वन जा 3, 1 आया, 1 को 2x से मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 55, देन 5x इक्वल टू 55 इंटू 3, देन x इक्वल टू 55 इंटू 3/5, देन x इक्वल टू 5, 1, 1, 11 आ गया, देन 11 इंटू 3, देन x इक्वल टू 33, x इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 33, देन हैंस क्या लिख देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, बोलता है एक नंबर को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेट नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर या लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, आप जो भी लिख सकते हो, तो ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड इटसेल्फ बाय 45, तो वो अपने आप 45 बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 45,
तो वो नंबर क्या होगा, 45 बढ़ जाएगा। कब? जब हम किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बढ़ जाएगा, x प्लस 45, वो 45 बढ़ जाएगा। तो हमें बात करना है कि x कितना होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? देन 4x या प्लस से इधर आएगा तो माइनस एक्स इजकल टू 45। देन 4 में x, 4x माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, 3x इजकल टू 45। देन x इजकल टू 45 बाय 3, देन x इजकल टू 3 वन जा 3 1 5, देन 3 5 जा 15। क्लियर है? देन 15, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 15। क्लियर है? रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 15। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ए नंबर इज एच मच ग्रेटर देन 21। एक नंबर है जो बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 21 बड़ा है। तो मान के चलिए कि लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर क्या है मेरे पास, एक्स है। तो यदि कोई नंबर बड़ा है, उससे बड़ा है, तो कितना बड़ा है, तो मान के चलिए एक्स माइनस 21। यदि हम एक्स में 21 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर कितना बड़ा है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए किसी भी नंबर में, जैसे कि 5 कि 3 से कितना बड़ा है, तो माइनस करेंगे तब ना पता चलेगा 2 है। तो ओरिजिनल नंबर तो मेरा 5 है और माइनस करने वाला नंबर क्या है, 3 है, इजकल टू 2। तो उसी तरीके से क्वेश्चन बोलता है कि नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21, तो 21 बड़ा है। तो मान लेते हैं एक नंबर x है, तो x में 21 माइनस कर दिए, तो बोलता है एज इट इज लेस देन, अब ये कम है, ये क्या है, कम है। तो कितना कम, 71 कम है। तो 71 में जब हम माइनस कर देंगे x, तब ना हमको पता चलेगा कि वो नंबर क्या है। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x है, इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, इधर 71 है तो इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस 21 हो जाएगा। क्लियर है? जो x x 2x हो गया, 1 1 2 हो गया, 7 2 9 हो गया। फिर यह क्या करेंगे, x इजकल टू 92/2 करेंगे, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा, 2/92, देन 2 4 जा 8 1 2 6 जा 12, कितना आ जाएगा, x इजकल टू 46। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज, हैंस रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा मेरे पास, रिक्वायर्ड नंबर इज 46। क्लियर है आपका यहाँ तक? देखिए ये क्वेश्चन को ना आपको बढ़िया से समझना होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2/3 ऑफ ए नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20। कोई भी नंबर है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कोई भी नंबर है, मान लेते लेट द नंबर बी एक्स, नंबर क्या है मेरे पास, एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2/3 ऑफ अ नंबर देन 2/3 ऑफ एक्स इज, मतलब इक्वल टू, लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20, ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। तो ओरिजिनल नंबर क्या माने थे, एक्स, मतलब 20 कम है तो माइनस 20। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए 2/3 इंटू एक्स इजकल टू एक्स माइनस 20, दैन 2x/3 इजकल टू एक्स माइनस 20। क्लियर है? अब आप यहाँ पर देखिए, यह अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, देन 2x/3 माइनस एक्स इजकल टू माइनस 20। अब सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है तो x बाय 1, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2x, माइनस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इजकल टू माइनस 20। अब देखिए 2x माइनस 3x तो माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, और बड़ा का साइन क्या है, माइनस का, तो हम लोग क्या करेंगे, या माइनस 1x देंगे बाय 3 इजकल टू माइनस 20। अभी 3 डिवाइड में उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस 20 इंटू 3। अब देखिए ये माइनस कैंसिल हो गया, देन x इजकल टू 60, तो x इजकल टू कितना आ जाएगा, 60। देन हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 60, रिक्वायर्ड नंबर इज 60, तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। बोलता है ए नंबर 2/5 टाइम्स अनदर नंबर, तो एक नंबर है जो दूसरे नंबर का 2/3 टाइम्स है। तो मान लीजिए लेट द नंबर बी एक्स, नंबर ही मान लेते हैं हम लोग क्या है, एक्स है, तो 2 टाइम्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
टू टाइम्स देन टू बाई फाइव एक्स, ठीक है। इफ देयर सम द टू बाई फाइव टाइम्स तो लिख दिए ऑफ अनदर नंबर, अनदर नंबर तो अनदर नंबर क्या है मेरे पास x है, प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 70, क्लियर है। बोलता है ए नंबर टू बाई फाइव टाइम्स अनदर नंबर, एक नंबर x और दूसरा नंबर टू बाई फाइव एक्स, इफ देयर सम तो जोड़ दिए इक्वल टू 70, देन टू एक्स बाय फाइव प्लस एक्स बाय कुछ नहीं तो वन है इक्वल टू 70। अब देखिए 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस 1 को 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x इक्वल टू 70, देन 5 प्लस 2 7x बाय 5 इक्वल टू 70, देन 7x इक्वल टू 70 इंटू 5, देन x इक्वल टू 70 इंटू 5 बाय 7, देन x इक्वल टू 710 जा 70, देन 10 इंटू 5 एंड x इक्वल टू 50, क्लियर है। तो अब क्या आ जाएगा ये हमारे पास वन नंबर क्या आ जाएगा, एक तो नंबर हमारे पास टू है फाइव टाइम्स था और दूसरा नंबर क्या है अनदर नंबर x है। अब देखिए तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज तो एक हो गया x इक्वल टू 50 और दूसरा था 2 बाय 5x, दैट मीन 2 बाय 5 इंटू 50, देन 5 10 जा 50, देन 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।